हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास नाइन्थ साइंस वीडियो लेक्चर। आई एम मुकेश बनानी एस केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 3, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। दिस इज द पार्ट सेकेंड वीडियो लेक्चर। सो व्हाट इज एटम? Atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with. यानी atomic radius is measured in the nanometer. It means हम इसको nanometer में drive करेंगे. We know very well what is the meaning of nanometer. 1/10^9 meter is known as 1 nanometer. It means 1/10^9 को हम 10^-9 भी write down कर सकते हैं. अब 10^-9 को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो इट मीन्स 1 meter इक्वल टू 10^9 नैनोमीटर। अब रिलेटिव साइज दी हुई है यहाँ पे कि एटम ऑफ हाइड्रोजन की साइज कितनी होती है, 10^-10 मीटर। ये कुछ रेडियस है जिनको हमको देखना पड़ेगा। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, उसकी रेडियस क्या रहेगी? 10^-9 मीटर ऑर्डर की रहेगी। सिमिलरली मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 10^-8 मीटर, ग्रेन ऑफ सेंड 10^-4 मीटर ऑर्डर के रहेगा, एंड 10^-3 मीटर एंड एप्पल 10^-1 मीटर। इट मीन्स डॉल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट इन वेरी स्पेसिफिक सेंस। यानी हर एलिमेंट को हम सिंबलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो इट मीन्स सबसे पहले इनिशिएट किसने किया? डॉल्टन ने किया। एंड डॉल्टन ने क्या ड्रॉ किया? यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रखे लाइक दिस। हाइड्रोजन को हमको रिसेंबल करना है तो फुल नेम राइट डाउन की जगह हम यहाँ पे इसका सिंबल राइट डाउन कर सकते हैं लाइक दिस। सर्कल में हमने एक डॉट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। लाइक कार्बन की हम बात करें, सर्किल ड्रॉ करके उसको हमने डार्क कर दिया। सिमिलरली ऑक्सीजन ओनली सर्किल ड्रॉ कर रखा है। सिमिलरली फॉस्फोरस में सर्किल ड्रॉ करके 3 लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। आफ्टर इट सल्फर, आयरन रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल आई, कॉपर सी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर लेड एल, सिल्वर एस, गोल्ड जी, प्लेटिनम में कैपिटल पी एंड मर्करी। इन द बिगनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट वर ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले एलिमेंट का जो सिंबल था वो उस तरह से लिया गया जहां से वो उसका ओरिजिन प्लेस हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर द कॉपर वी यूज अ साइप्रस। सम नेम वर टेकन फॉर स्पेसिफिक कलर। जैसे गोल्ड की हम बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्ड? येलो। सो दैट्स व्हाई येलो कारण उसका नेम क्या पड़ गया? गोल्ड पड़ गया। Nowadays, IUPAC, what is the full form of IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry, is an the international scientific organization which approve names of element, symbols and units. Many of the symbols are first 1 or 2 letter. यानी किसी भी एलिमेंट के हमको सिंबल को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके यहाँ तो 1 letter को यूज करेंगे या 2 letter को हम उसको यूज करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट लेटर होगा सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर। फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखेंगे, आफ्टर इट सेकेंड लेटर किस में रहेगा? लोअर केस। ये किसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं? आई यू पी एस सी। लाइक एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन अब फर्स्ट लेटर का एच है सो दैट्स व्हाई रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल एच। नेक्स्ट एग्जांपल एल्यूमिनियम, स्टार्टिंग एल हो रही है तो फर्स्ट जो लेटर रहेगा कैपिटल ए रहेगा एंड एल जो रहेगा स्मॉल रहेगा, कैपिटल ए एंड कैपिटल एल नहीं रहेगा। आफ्टर कोबाल्ट में कैपिटल सी एंड स्मॉल ओ। अगर आपने कैपिटल सी एंड कैपिटल ओ कर दिया तो दिस इज रिप्रेजेंट द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इट मीन्स एलिमेंट के सिंबल की हम बात करें तो फर्स्ट लेटर हम यहाँ पे क्या करेंगे? कैपिटल करेंगे एंड सेकेंड लेटर क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। लाइक अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट इन लैटिन। कुछ एलिमेंट के सिंबल लैटिन लैंग्वेज से या जर्मन लैंग्वेज से या ग्रीक लेटर से लिए गए हैं। लाइक एग्जाम्पल की बात करें, आयरन। अब नेम है आयरन तो सिंबल आई होना चाहिए या आई आर होना चाहिए, बट सिंबल इज एफ ई, कैपिटल एफ स्मॉल ई। तो ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम। तो आयरन का जो सेकंड नेम है फेरम है, फेरम से हमने इसका सिंबल ड्राइव किया है एफ ई। आफ्टर सोडियम की बात करें तो सोडियम का सिंबल एस या एस ओ होना चाहिए, बट सिंबल इज कैपिटल एन एंड स्मॉल ए। फ्रॉम द नट्रियम, यानी इसका जो अनादर नेम है नट्रियम से इसका सिंबल को ड्राइव किया है। सिमिलरली पोटेशियम कैपिटल के, केलियम,
लाइक सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट की हम बात करें, एल्यूमिनियम कैपिटल ए स्मॉल एल, ऑर्गन का AR, बेरियम BA, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कंफ्यूजन होता है बेरियम एंड बोरॉन एंड ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का BR है, बोरॉन का ओनली कैपिटल B एंड बेरियम का कैपिटल B स्मॉल ए, कैल्शियम CA, कार्बन C, क्लोरीन CL, कोबाल्ट CO, कॉपर CU, फ्लोरीन F ओनली। गोल्ड की हम बात करें तो जी होना चाहिए बट इसका सिंबल AU है, तो इसका अदर नेम जो हमने यहाँ से ड्राइव किया है ओरम, ओरम से इसका सिंबल ड्राइव किया हुआ है। हाइड्रोजन H, आयोडीन कैपिटल I, आयरन Fe, लेड की हम बात करें तो PB, इसका जो सिंबल है वो कहाँ से लिया गया है, प्लम्बम, प्लम्बम से इसका सिंबल PB ड्राइव किया हुआ है जबकि नेम इसका लेड है। अनादर नेम मैग्नीशियम MG, नियोन NE, नाइट्रोजन कैपिटल N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन SI, सिल्वर AZ, इसका अनादर नेम क्या है, अर्जेंटम, अर्जेंटम से इसका सिंबल ड्राइव किया हुआ है सिल्वर का। सोडियम NA, सल्फर S, यूरेनियम U एंड जिंक ZN, तो ये सिंबल आपको लर्न करने अकॉर्डिंग टू द IUPAC। नाउ एटॉमिक मास, द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वॉज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ करेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, हर एलिमेंट का अपना स्पेशल क्या रहेगा, एटॉमिक मास रहेगा। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम वॉज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, रिलेटिव एटॉमिक मास वर डिटरमाइन यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कंपाउंड फॉर्म, यानी जो एटॉमिक मास हम ड्राइव करेंगे किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे हम बात करें कि द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर एब्राइव ऐसा AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट को हम स्मॉल लेटर में समराइज फॉर्म में हम AMU कह सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द IUPAC अब हम उसको क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास, यानी पहले जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते थे अब हम उसको क्या कहते हैं, U कहते हैं। U का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास, एंड 1U, एक U की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 × 10⁻²⁷ kg, यानी इस रिलेटिव मास के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को ड्राइव करेंगे। वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू द एग्जैक्टली द 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी स्टैंडर्डाइजेशन में हमने किसको लिया हुआ है, कार्बन 12 को, क्योंकि कार्बन के भी क्या रहते हैं, आइसोटोप। What is the definition of isotope? यानी different atom of same element which has the same number of proton but different mass number. यानी एक ही element के ऐसे different atom जिसका number of proton तो same रहेंगे लेकिन mass different रहेगा। जैसे हम बात करें carbon के जो isotope है 12 भी isotope है, 13 भी isotope है and 14 भी isotope है। यानी carbon का mass 12 भी है, 13 भी है एंड 14 भी है, बट एटॉमिक नंबर सब में सेम है 6, 6, 6, लेकिन हमने स्टैंडर्डाइजेशन में हमने कौन से एलिमेंट को लिया है, कार्बन 12 को, उसके भी एक एटम का कितना पार्ट लिया है हमने, 1/12 पार्ट, जिसको यहाँ पे हम इमेज समझे, सपोज करो ये वाटरमेलन है, वी नो वेरिएबल वाटरमेलन कैसा रहेगा, एक स्पेरिकल, एक गोला है, उस स्पेरिकल के हमने कितने पीसेस कर दिए, 12 पीसेस कर दिए, ठीक है। अब उस 12 पीसेस में से एक पीस जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/12 मास ऑफ एन एटम, यानी वाटरमेलन को हम सपोज करें ये एटम है किसका, कार्बन 12 का, इसके हमने 12 पीसेस कर दिए और उस 12 पीसेस का भी हमने एक पीस लिया है, यानी जो ये एक पीस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/12। तो 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज AMU, जिसको हम U भी कहते हैं, यूनिफाइड मास। इसी के अकॉर्डिंग अगर हमको किसी भी एलिमेंट के एटम का मास हमको ड्राइव करना है तो हम क्या रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे उस एलिमेंट के एटम को रख देंगे एंड राइट हैंड साइड में एटॉमिक मास यूनिट यानी यूनिफाइड मास को रखते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम मास को ड्राइव करेंगे। लाइक सपोज हम बात करें यहाँ कैल्शियम दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 40, इसका मींस क्या है कि सपोज करो ये एनालिटिकल बैलेंस है और एनालिटिकल बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने कैल्शियम के एक एटम को रख दिया एंड राइट हैंड साइड पे अब मैं 1U यानी जो 1U है उसके कितने पीसीस रखूंगा मैं, 40 पीसीस, यानी ऐसे पीसीस को मुझे कितने पीस रखने पड़ेंगे, 40, तब जाके एनालिटिकल बैलेंस क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा।
सिमिलरली अनदर एग्जांपल की बात करें मैग्नीशियम, इसका मास कितना है 24। इसका मींस है कि एनालिटिकल बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने मैग्नीशियम के एक एटम को रखा है एंड राइट हैंड साइड पे 1U के कितने पीस रख दिए मैंने 24। सो दैट्स व्हाई मैग्नीशियम का मास क्या हो गया 24U हो गया। ये एक टर्म कौन सी है, रिलेटिव टर्म है। अनदर एटॉमिक मास की हम बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U या 1 AMU, कार्बन का मास 12U, ये आपको लर्न करनी है टेबल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट नाइट्रोजन 14U, ऑक्सीजन 16U, सोडियम का मास 23U, सल्फर 32U, क्लोरीन 35.5U। हाउ डू एटम एग्जिस्ट? एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम फॉर्म अ मॉलिक्यूल एंड आयन। यानी हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, और एटम क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा या आयन का फॉर्मेशन करेगा, जिससे उसमें क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। दीज मॉलिक्यूल और आयन्स एग्रीगेट इन द लार्ज नंबर टू फॉर्म अ मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। और यही मॉलिक्यूल आयन मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे, मैटर का फॉर्मेशन करेंगे। अब व्हाट इज द मॉलिक्यूल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें, अ मॉलिक्यूल इज अ जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टूगेदर दैट इज टाइटली हेल्ड टूगेदर बाय द अट्रैक्टिव फोर्स। यानी मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है जो कि किससे बाइंड है, अट्रैक्टिव फोर्स से, जिसको हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। अब हम यहाँ बात करें टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की, तो फर्स्ट टाइप्स की हम बात करें मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, जो पहला टाइप है मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कंस्टिट्यूट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन सेम टाइप ऑफ एटम से हो रहा है तो दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, या होमो एटोमिक मॉलिक्यूल भी हम इसको कह सकते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट सच एज ऑर्गन, हीलियम आर मेडअप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। यानी हमने देखा कि एटम जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, मॉलिक्यूलर आयन का, यानी ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए। लेकिन जो ऑर्गन है, हीलियम है, इसके मॉलिक्यूल में केवल एक ही एटम प्रेजेंट रहेगा, यानी इसका मॉलिक्यूल क्या रहेगा, मोनो एटॉमिक। लाइक हम बात करें यहाँ पे ऑर्गन का, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम सिंपली HE से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसके एटम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ऑर्गन की हम बात करें तो ये इसके एटम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। बट दिस इज नॉट अ केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन गैस को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, O2 से। यानी मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, डाई एटोमिक, यानी इसके मॉलिक्यूल में दो एटम प्रेजेंट है। सिमिलरली इफ 3 atoms ऑफ ऑक्सीजन यूनिट इन टू अ मॉलिक्यूल इंस्टीट ऑफ अ यूजल टू वी गेट ओजोन। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। यानी इसके एक मॉलिक्यूल में 3 atoms है, यानी ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ एटोमिसिटी की हम बात करें, द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूट ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉन एज इट्स एटोमिसिटी। यानी एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, दिस इज नॉन एज अ एटोमिसिटी। जैसे हम बात करें ओजोन की एटोमिसिटी क्या रहेगी, 3, ऑक्सीजन गैस की 2, हीलियम की बात करें तो हीलियम का क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि HE 1, यानी 1 तो हम लिखते ही नहीं है, यानी एटोमिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पे हमको इंटरनल क्वेश्चन राइट डाउन करना है पेज नंबर 36 पे, डिफाइन एटोमिसिटी। तो इट मीन्स का आंसर हमने अभी देखा, द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नॉन एज अ एटोमिसिटी। नाउ यहाँ पे कुछ टेबल गिवन है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एटोमिसिटी की। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जैसे अभी हमने देखा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, डाई एटोमिक, यानी एटोमिसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। आफ्टर इट हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन जो रहेगा किस फॉर्म में रहता है, H2 फॉर्म में, यानी डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है, एटोमिसिटी क्या हो जाएगी, 2। यानी जो हमने सबस्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो जो सबस्क्रिप्ट में रहेगा वो क्या कहलाएगी, उसकी एटोमिसिटी कहलाएगी। नाइट्रोजन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, N2, यानी सबस्क्रिप्ट में क्या है, 2 है, यानी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2, इट मीन डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। क्लोरीन Cl2, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। आफ्टर इट फॉस्फोरस, यानी फॉस्फोरस को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, P4, इट मीन्स यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल। यानी 4 का मतलब क्या है, टेट्रा, तो टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये नेचर में प्रेजेंट रहेगा। सल्फर किस फॉर्म में रहता है, S8, यानी एक मॉलिक्यूल में 8 एटम प्रेजेंट है, इट मीन्स हम इसको पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। द
द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. अब सेकेंड टाइप की बात करें मॉलिक्यूल की, फर्स्ट टाइप था मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, सेकेंड है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टूगेदर इन डेफिनेट प्रपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. यानी इसके मॉलिक्यूल में एटम सेम नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे? डिफरेंट. अगर एक भी एटम डिफरेंट हो गया तो वो मॉलिक्यूल किसका कहलाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. इसको हम क्या कहते हैं? हिट्रियो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं. लाइक एग्जाम्पल की हम बात करें, वॉटर H2O, यहां पे क्लियर दिख रहा है कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 डिफरेंट हो गया, तो इट मीन्स ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाएगा, यानी हिट्रियो एटॉमिक मॉलिक्यूल है. अमोनिया का फॉर्मूला NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और यहाँ पे मास भी दे रखा है रेशियो बाय मास अकॉर्डिंग टू द LCP, जिसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि वाटर में क्या रेशियो था एलिमेंट का, 1:8. आफ्टर दैट अमोनिया में क्या रेशियो है? 14:3. कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? 3:8. ये हमने रेशियो किसके अकॉर्डिंग निकाला? अकॉर्डिंग टू द LCP, एलिमेंट का मास रेशियो है. अब यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. रेफर टू द टेबल 3.4, ये टेबल 3.4 ही है. फॉर द रेशियो बाय मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, टेबल 3.2 फॉर द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. हमने अभी 3.2 टेबल में एटॉमिक मास को देखा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मास रेशियो गिवन है. अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो बाय नंबर. अभी जो हमने रेशियो निकाला है वो अकॉर्डिंग टू मास निकाला है, अब जो रेशो निकालना है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम निकालना है. जैसे कि हमने बोला CO2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? ये हमको आइडेंटिफाई करना है, यानी इस मास रेशो से ये फॉर्मूला हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे. सिमिलरली 14:3 से ये जो अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, ये कैसे आया उसको हमको ड्राइव करना है, यानी फाइंड करना है रेशो बाय द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड गिवन इन टेबल 3.4. यानी एक टेबल गिवन है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? वाटर की. यानी वाटर की हम बात करें तो सबसे पहले हमने कॉलम देखा, एलिमेंट कौन कौन सा प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब इसमें वाटर का रेशियो कितना गिवन है? 1:8 रेस्पेक्टिवली. इट मीन्स हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? 1, ऑक्सीजन का कितना है? 8. अब एटॉमिक मास वी नो वेरी वेल, हाइड्रोजन का अभी हमने देखा टेबल 3.2 में 1U, ऑक्सीजन का 16U. तो अब हम करेंगे क्या? मास रेशियो में एटॉमिक मास का डिवाइड करेंगे, यानी 1/1 आ गया. आफ्टर डेट 8/16 1/2, इट मीन हम 0.5 भी राइट डाउन कर सकते हैं. अब ये जो रेशियो है वो होल नंबर में आना चाहिए, बट यहाँ पे हमको फ्रैक्शन में मिल रहा है, तो इट मीन होल नंबर में के लिए हम क्या करेंगे? इस कॉलम में जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी उसका हम हर वैल्यू में डिवाइड कर देंगे. इस कॉलम में सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 1.2 या 0.5. इसका हम क्या करेंगे? 1 में 0.5 का डिवाइड करेंगे, यानी 1/0.5 = 2. एंड 0.5 में आप 0.5 का डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 1. तो इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स हाइड्रोजन के कितने एटम हो जाएंगे? 2. ऑक्सीजन का कितना एटम हो जाएगा? 1. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. सिमिलरली हम अमोनिया की बात करें, उसके लिए हम टेबल ड्राइव करना चाहें, इट मीन्स लाइक दिस. फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट, यानी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. रेशियो जो गिवन है यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना गिवन है? 14 गिवन है. हाइड्रोजन का 3. वी नो वेरी वेल नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14. हाइड्रोजन का कितना होगा? 1. अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? रेशियो निकालेंगे, 14/14 करेंगे, इट मीन्स क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 मिलेगा. अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे? 3/1 करेंगे, इट मीन्स क्या मिलेगा? 3. तो इट मीन्स यहाँ पे हमको होल नंबर मिल गया है, अब हमको किसी का किसी में डिवाइड करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है. अब हमको यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें, इट मीन्स नाइट्रोजन के 1 एटम है और हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अमोनिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? NH3 रहेगा. अनदर एग्जांपल की हम बात करें, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 कैसे आया? तो इट मीन्स हम इसको यहाँ ड्राइव करना चाह रहे हैं, इट मीन्स टेबल ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे. एलिमेंट कौन कौन सा प्रेजेंट है? C, ऑक्सीजन का O, और यहाँ पे रेशियो गिवन है टेबल में 3:8. अब हम यहाँ पे मास की बात करें, कार्बन का मास कितना होता है? 12. ऑक्सीजन का मास कितना है? 16.
अब हम क्या करेंगे, जो रेशियो है उस रेशियो में उसके एटॉमिक मास का डिवाइड कर देंगे, यानी 3/12 कितना आ जाएगा 1/4, जिसको हम क्या कह सकते हैं 0.25। सिमिलरली 8/16 में डिवाइड करना चाहें, इट मीन्स कितना मिलेगा यहाँ पे 0.5। इट मीन्स यहाँ पे होल नंबर नहीं मिला, तो इट मीन्स फ्रैक्शन में है, तो होल नंबर में करने के लिए हम क्या देखेंगे, इस कॉलम में जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है उसका हम हर वैल्यू में डिवाइड कर देंगे। लोवेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.25, 0.25 का 0.25 में डिवाइड करेंगे यानी 1, एंड 0.5 में 0.25 का डिवाइड करेंगे 2। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, CO2। तो इस एक्टिविटी से हम यहाँ पे ये ड्राइव कर सकते हैं कि अगर आपको मास रेशियो गिवन है तो वहाँ पे हम रेशियो ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट हम ड्राइव कर सकते हैं कंपाउंड में। नाउ व्हाट इज आयन, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज, यानी ऐसा कंपाउंड जो किससे मिलकर बना हुआ हो, मेटल से और नॉन मेटल से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल, यानी एलिमेंट दोस कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को फटाफट से लूज कर देगी वो एलिमेंट क्या कहलाएगी, मेटल कहलाएगी। एंड द एलिमेंट विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, नॉन मेटल कहलाएगा। द चार्ज स्पीसीज आर नॉन एज आयन, तो इसका उस पर चार्ज प्रेजेंट है, अगर वो एटम न्यूट्रल नहीं है उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो दिस स्पीसीज नॉन एज आयन। आयन्स में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम, यानी अगर सिंगल एटम प्रेजेंट है उस चार्ज में तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंपल आयन कहेंगे, और अगर ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, पोली एटोमिक आयन। यानी आयन को हमने टू टाइप में डिवाइड किया हुआ है कि अगर उसमें सिंगल एटम प्रेजेंट है तो दिस इज नॉन एज सिंपल आयन, और अगर ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, पोली एटोमिक आयन। लेकिन अगर चार्ज के बेस पे बात करें, आयन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, अगर हम चार्ज की हम बात करें कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो दिस इज नॉन एज एनायन, एंड द पॉजिटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है तो दिस इज नॉन एज कैटायन। तो आयन का हमने टू टाइप से क्लासिफिकेशन देखा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, अगर नंबर ऑफ एटम 1 है तो सिंगल आयन, और अगर ग्रुप ऑफ एटम है तो पोली एटोमिक आयन। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है कि चार्ज की नेचर क्या है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव का मतलब केटायन रहेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो दिस इज नॉन एज एनायन रहेगा। अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नॉन एज पॉली एटोमिक आयन, ठीक है। तो अगर आयन में ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, पॉली एटोमिक आयन। पॉली एटोमिक आयन के एग्जाम्पल की बात करें, लाइक अमोनियम आयन, फॉर्मूला क्या रहेगा, NH4+ आयन, यानी यहाँ पे क्या चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब दिस इज अ केटायन, और इसमें ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, सो दैट्स व्हाई दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉली एटॉमिक आयन। अनदर एग्जांपल की बात करें, Cl-1 यानी क्लोराइड आयन, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है सो दैट्स व्हाई एनायन। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी वेल, आई विल सजेस्ट यू दैट गो थ्रू बाय द NCERT बुक।